हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर कोई कपल लिव इन में रहता है यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और अगर उससे उनको कोई बच्चा होता है तो वो बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहता है और अगर उनसे शादी उन्होंने शादी नहीं की होती है और ऐसी परिस्थिति में अगर उनसे कोई बच्चा होता है तो पहले तो उस बच्चे को इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी, इस बच्चे का पालन पोषण मेंटेनेंस कौन करेगा, इसके बारे में सीआरपीसी सेक्शन 125 में बताया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 125 में यह बताया गया है कि अगर कोई कपल चाहे लिव इन में रह रहा हो और अगर उनसे बच्चा होता है तब भी उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके पिता की ही होती है। अगर लड़का होता है तो जब तक वो लड़का 18 साल का नहीं हो जाता तब तक पिता की जिम्मेदारी आती है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके एजुकेशन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए पूरी जिम्मेदारी उस पिता की होती है। और अगर कोई लड़की पैदा होती है तो जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक पिता की सारी जिम्मेदारी आती है, जैसे कि लड़के में जो मेंटेनेंस की, डेवलपमेंट की, एजुकेशन की वो जिम्मेदारी जैसे पिता की होती उसी तरीके से लड़की में भी जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक ये जिम्मेदारी पिता की ही होती है। अगर जो बच्चा जो पैदा हुआ है वो अगर शायद शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो अगर वो 18 साल का भी हो जाता है उसके बाद भी उसके पिता की ही जिम्मेदारी चालू रहती है, क्योंकि जब तक वो मानसिक या शारीरिक अस्वस्थ है तो वो कमा नहीं सकता, अपनी अर्निंग नहीं कर सकता है, तो उसके कारण वो 18 साल होने के बाद भी उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके पिता की ही होती है। सीआरपीसी सेक्शन 125 में ये कहा गया कि इसकी राशि कौन तय करेगा, कितनी होगी, इसके बारे में बात करें तो इसकी राशि कोर्ट न्यायालय तय करता है और न्यायालय को जो उचित लगता है उसके आधार पर इसकी राशि तय की जाती है। अब राशि तय करने के लिए जो मापदंड होते हैं, जो कि पिता की सैलरी होती है या पिता की इनकम होती है, पिता की प्रॉपर्टी होती है और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसके आधार पर इसकी राशि तय की जाती है। और अब ये भी देखा गया है कि जब 125 यानी कि मेंटेनेंस का जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक न्यायालय एक इंटरिम ऑर्डर पास करता है और उसमें ये राशि दी जाती है, कहा जाता है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक बच्चे को इंटरिम ऑर्डर के ऊपर इतनी राशि तो मिनिमम मिलनी ही चाहिए। अगर कोई पिता ये राशि नहीं देता है या मना कर देता है या फिर किसी कारणवश वो पेमेंट मेंटेनेंस नहीं करता है तो उस पिता को जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की जिम्मेदारी पिता की ही होती है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।